नमस्ते दोस्तों, ये 25 किलोवाट का अनग्रिड सोलर प्लांट है, इसके मेंटेनेंस के लिए आया हूँ। एक्चुअली मेरे पीछे आपको ये दो पैनल दिख रहे होंगे, ये निकल के मुझे बाजू को रखने हैं। पेंटिंग का काम चल रहा है दोस्तों, बिल्डिंग का कैसे क्या क्या किया सब आपको दिखाता हूँ दोस्तों, और इन्वर्टर का रीडिंग भी दिखाता हूँ। इस प्लांट ने अब तक कितना जनरेशन किया है, एक 20 किलोवाट का एक इन्वर्टर है और एक 4 किलोवाट का इन्वर्टर है। दोनों तरफ पैनल है दोस्तों, इस तरफ भी पैनल है बिल्डिंग में और इस तरफ भी है। 73 पैनल है दोस्तों, और ये दो पैनल है, ये निकालने के हैं मुझे अभी। वहाँ पे पेंटर लोग झूला छोड़ने वाले हैं नीचे पेंटिंग के लिए, इसलिए पैनल निकाल के नीचे रखूँगा। वीडियो कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। लगभग 520 वीडियो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, वो भी आप देख लीजिए, आपको बहुत सारा नॉलेज आ जाएगा। चलिए अभी वीडियो की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, ये 25 किलोवाट का सोलर साइड है, 25 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर रूफटॉप है ये। ये कस्टमर के घर में पेंटिंग का काम चालू है, ये दो पैनल निकालने के लिए बोला है कस्टमर ने, अभी निकल रहा हूँ पैनल। पेंटिंग के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। इस तरफ भी पैनल है, इस तरफ भी पैनल है। अभी एक तो नट निकाल दिया है मैंने, अभी इसके 4 नट बोल्ट निकालने के। ये झेड क्लैंप है, ये दोस्तों निकल रहा हूँ मैं, दो तो निकल गए। दोस्तों ये एक 4 किलोवाट का इन्वर्टर है यहाँ पे इस साइड पे, और एक 20 किलोवाट का इन्वर्टर है, 25 किलोवाट पैनल सपोर्ट है। इसे आपको दोनों का जनरेशन दिखाता हूँ कितना हुआ। ये फिलहाल मैं आप सब निकाल लेता हूँ, ये दोस्तों दो नट बोल्ट निकाल दिए। ये झेड क्लैंप निकाल रहा हूँ इस साइड की, बीच के साइड की लूज करूँगा, और ये दो पैनल निकाल के साइड को रखने हैं। ये पेंटिंग का काम चालू है, ये देखिए ये पेंटिंग करने का है, बिल्डिंग का पूरा पेंटिंग का काम चालू है, इसलिए पेंटर लोगों ने इस पर भी कलर वगैरह लगा दिया है पैनल पर। ये पैनल भी क्लीन करने पड़ेंगे। बीच में एक भी यूज करना पड़ेगा, ये तो निकल गया। ये यहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, यहाँ पैनल थे, अभी ये पैनल मैंने निकाल दिए है, उसका वायरिंग निकाल दिया है। ये सभी सीरीज में है पैनल, 5 स्ट्रिंग का है नीचे, यहाँ के अभी ये पैनल मैंने नीचे इसका स्ट्रिंग फिर से लगा दिया है, नीचे रखा है। एक 2-4 घंटे का ये काम है, फिर से यहाँ पर लगा दूँगा शाम को। ये पेंटिंग करना है यहाँ, ये पेंटिंग करने के बाद ये फिर पैनल यहाँ लगा दूँगा दोस्तों। प्लांट 25 किलोवाट का प्लांट है बड़ा, ये बंद ना पड़े इसलिए एकाधे अभी इस डायरेक्शन में रखे है पैनल। एकाधे स्ट्रिंग का वोल्टेज VOC कम होगा दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम होता नहीं। ये बाकी के पैनल का
बैक के पैनल पर इन्वर्टर चलेगा। ये वायरिंग मैंने कर दिया है, इसे नीचे रख दिया है, तब भी इसका वायरिंग सीरीज में कर दिया है, सब नो प्रॉब्लम। अभी दोस्तों आपको इन्वर्टर के पास लेके जाता हूँ और इन्वर्टर में अब तक जनरेशन कितना हुआ है, आज का जनरेशन कितना हुआ वो दिखाता हूँ। 4 किलोवाट का एक इन्वर्टर है और 20 किलोवाट का एक इन्वर्टर है, दोनों पॉलीकैप के इन्वर्टर है दोस्तों। वीडियो कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ऐसे बहुत सारे रिपेयर के वीडियो, नए प्लांट के वीडियो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगे। जनरेशन टोटल 14512 kWh। दोस्तों ये पॉलीकैप का इन्वर्टर है 20 किलोवाट का, वो छोटा दिख रहा है 4 किलोवाट का। इस प्लांट का मैंने पहले भी मेंटेनेंस किया है, वो भी आप देख लीजिए। अभी दूसरी बार मेंटेनेंस को आया हूँ। पैनल भी बहुत गंदे है दोस्तों, ऊपर क्लीनिंग नहीं किया, पैनल वोल्टेज वगैरह बहुत कम आ रहा है। ये DCD भी है दोस्तों, देखिए स्ट्रिंग कितने, 1 2 3 4 चार पॉजिट 8 और ये 8 है, 8 पॉजिटिव 8 नेगेटिव, यहाँ पे गया है, फ्यूज है, SPD है। ये दोस्तों बस बार है,
ये कमर्शियल है, ये नीचे दूध डेयरी है दोस्तों, ये कमर्शियल है, ये इनके घर के लिए है 4 किलोवाट का। इसका जनरेशन आपको दिखाता हूँ दोस्तों, अभी 9030 वाट पावर तैयार हो रही है। इसके अंदर जाएंगे दोस्तों, देखिए अभी वोल्टेज दिखा रहा है, एम्पियर दिखा रहा है, डीसी वोल्टेज एम्पियर, डीसी 2 वोल्टेज एम्पियर। जनरेशन स्टेटर देखिए, पावर 9050 वाट पावर तैयार हो रहा है। मैंने पैनल दो नीचे रखे है उसका, प्रॉब्लम आ रहा है फ्रिक्वेंसी। टोटल एनर्जी जनरेशन देखिए 7836 kWh, 78366 kWh अब तक बनाया जनरेशन हुआ है, अब तक 78366 kWh अब तक जनरेशन हुआ है इस जनरेटर इन्वर्टर का। दिस मंथ देखिए 1283 kWh, लास्ट मंथ 1556 kWh, दिस मंथ 1283 kWh, टुडे 29 यूनिट बन गए दोस्तों, 29.5 kWh लगभग 30 यूनिट बन गए। यस्टरडे देखिए 50 यूनिट बन गए। ये बाहर जाने का बटन है दोस्तों, दोनों प्लांट चालू करके दिए है। दोनों को अभी आपको, आपका जनरेशन आपको दिखाए लाइव, डाटा लॉगर भी इन्होंने जोड़ा है, वाईफाई है, राउटर है, वाईफाई राउटर है दोस्तों, ये डोंगल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, वीडियो कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।